बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एजी कुकिंग शॉप। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, जो कि हम बनाएंगे चिकन और चने की दाल से। तो नाज़रीन, मैंने लिया है आधा किलो चिकन और आधा किलो ही चने की दाल ली है। दोनों चीज़ें मैंने इक्वल ली हैं, चिकन बोनलेस है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को थोड़े से पानी में बॉयल करेंगे, जिसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और इसके साथ हम शामिल करेंगे एक चम्मच नमक का, एक चम्मच सुरख मिर्च का और आधी हाफ टी स्पून मैंने कलौंजी का लिया। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें डाल के पहले मैं इसे 5 मिनट के लिए बॉईल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी डालूँगी और इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। नाज़रीन, मैंने आधा किलो चने की दाल, आधा किलो चिकन लिया है। इसके साथ में जो चीज़ें शामिल कर रही हूँ वो मैंने ली हैं 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं, एक प्याज मैंने चॉप कर ली है, मैंने थोड़ा से पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, आधी घंटी मैंने धनिया की ली है, एक चम्मच चाट मसाले का है, एक चम्मच पिसे मिक्स गर्म मसाले का है। नाज़रीन, चिकन में हम लोगों ने साबुत लहसुन अदरक शामिल किया है और नमक और सुरख मिर्च पीसी हुई, और उसे हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। 5 मिनट के बाद हम उसमें दाल भी शामिल कर देंगे। नाज़रीन, देखें 5 मिनट से ये हमारा चिकन बॉइल हो रहा है। अब हम इसके अंदर ये दाल शामिल करेंगे। नाज़रीन, ये चने की दाल है, मैंने इसको 1 घंटा पहले से भिगो के रख दिया था। इसमें नाज़रीन, मैं इसमें इतना पानी शामिल करूँगी कि ये दाल डिप हो जाए, फिर मैं इसको सिर्फ प्रेशर लगाऊंगी। जैसे ही वेट बहुत लगा तो मैं इसको खोलूँगी, क्योंकि हमने इसको ज़रा झटपट बनाना है, वरना आप बगैर प्रेशर के भी बना सकते हैं। नाज़रीन, देखें मैंने इतना पानी शामिल किया, अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए, तब तक हम दूसरी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। नाज़रीन, हमारी जब तक चने की दाल और चिकन हो रहे हैं तब तक हम मसाले मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चॉप किया हुआ प्याज 1, पुदीना। नाज़रीन, आप पुदीना और धनिया की मिकदार अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ये मैंने 6 अदद मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा मैं अभी मचा लूँगी बाद में चेक कर लूँगी, और 1 चम्मच मैंने पिसे हुए गरम मसाले का लिया। हमारी वो चिकन और जब चने की दाल हो जाएगी, तो अगर आपके पास चॉपर है आप चॉपर में उसको मैश कर सकते हैं, अगर चॉपर नहीं है तो आप उसे किसी भी सील बट्टे पे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह उसको मैश कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे मशीन में करेंगे तो चिकन बहुत बहुत ही घुल जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम इसको ना सील पे कर लें या चॉपर में कर लें। देखिए, मैंने प्रेशर खोला, दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है, गोश्त भी हमारा बिल्कुल हो चुका है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, तो मैं पानी खुश कर लूँगी, फिर हम इसको चॉप करेंगे। नाज़रीन, देखें मैंने इसको चम्मच के साथ मैश किया है। हर घर में चॉपर नहीं होता, चॉपर नहीं है कोई बात नहीं, आप ऐसी चीज़ लेके जिससे मसाला पिसा जाता है या अदरक वगैरह, तो आप उसके साथ गोटियों को अच्छी तरह इसी के अंदर मैश कर सकते हैं। बर्तन के अंदर अलग से भी लेके कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं। गोटियाँ मैंने बड़ी बड़ी डाली हैं ताकि उसका रेशा बने और हमारी शामी थिक हो। देखें, अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया। अब हमने ये जो मसाले बना के रखे हैं इसके अंदर हम इसको डाल के मिक्स करेंगे और इसके शामी कबाब बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, देखिए मैंने अच्छी तरह सारा मसाला मिक्स कर लिया। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम इसके कबाब बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइज आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, देखें मैंने इस तरह कबाब बना ली। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तवे का इंतखाब किया है, मैंने नॉनस्टिक पैन नहीं लिया। मैं आप लोगों की आसानी के लिए तवे पे बनाऊंगी, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो नाज़रीन, चलिए हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
गोल्डन हो गए, हम आसानी से दूसरी साइड से पलट लेंगे। जैसे ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे हम इनको यूं किनारों पे ले जाएंगे। इसी तरह हम साग के साथ दूसरे बनाते चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, देखें हमारे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वही जो तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला था, मैंने उसी ऑयल में सारे फ्राई किए हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप फ्राई करके इनको साइडों पे लगाते जाएंगे तो वो जो एक्स्ट्रा ऑयल या घी होगा तो वो दोबारा से जो उनके एक्स्ट्रा होगा दोबारा तवे के सेंटर में आ जाएगा और उसे कर लेंगे। तो नाज़रीन बेहतरीन से ये चिकन के मैंने वो चने की दाल के साथ शामी कबाब बनाई हैं। आप मेरी इस इंग्रेडिएंट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं, ताकि मैं मज़ीद रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू।